लोभ करके मनुख झुकदा है विष्णु दे अगे, तू रो साडे घर तू आवेगा लक्ष्मी आवेगी। शिव जी दे अगों भी झुकदा है, बाबा बाकियां दे घरां च जावी साडा घर छड़ दे, साडे घर तो लंघ जाए। एक मौत दा देवता, एक पालन करन वाला, ऐसा मिथ्यास है, मिथ है। करत होवे नह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म। संसार दे आज तक जो कुछ मिले है कर करके मिले है, कुछ भी थानू मिले है, धन संपदा मैल माड़िया परिवार दे संबंध कर करके जुड़े ने, कर करके मिले ने। बाहरों जो कुछ भी मिलता है कर करके मिलता है, कर्मा नाल मिलता है। ते बंदा सोचता है परमात्मा भी कर करके मिलेगा, अगर मेरे करण नाल मिलता है मैनू परमात्मा तो मेरा करना उदी कीमत हो गई, मेरा करना उदा मुल हो गया। उम्मीद है थोड़ी पकड़ी जरूर आएगी गल, मेरे कर्म उदी कीमत हो गए, मैं इतने कर्म करांगा परमात्मा मिल गया। फिर परमात्मा वड्डा नहीं, मेरे कर्म वड्डे ने, क्योंकि मैं कर्मा नाल परमात्मा नू भी खरीद सकदा। कीमत पाए न कहा जाए, कहने वाले तेरे रहे समा। उनु कर्मा ते माण नहीं रह जांदा, और कर्म सहज हो जांदा है, उहदे कोल करदा नहीं है। तुसी आखोगे करदा नहीं है, देखो श्वास चल रहे ने, कि तुसी ले रहे हो कि अपने आप चल रहे ना। जे ना चलन ते असी हो नहीं सकते, पर श्वास असी नहीं चला रहे, चल रहे ने। शरीर विच खून असी नहीं चला रहे, चल रहे है। दिल नूं असी नहीं धड़का रहे, धड़क रहे है। जीवन दे जो बहुत लोड़ बंदा है, कीमती है, आपे ही हो रहे है, आपे ही हो रहे है। ऐसे पुरुष को कर्म होंदा ते है, कर्म करदा नहीं है, होंदा है। इस तरह होंदा है जिवें सोच पे चलदे ने, एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुत जन्म ना आवा। जैसे प्राण पे चलदे ने, शब्द पे चलदा, कर्म पे चलदे ने। करना खत्म हो गया और पूरी समझ आ गई है, तन रोटी तो बने है, एक कृत करके है, रोटी लभी है, पर जो मन है ये रोटी तो नहीं बनया, जो आत्म ज्योति है ये पदार्थ तो नहीं बने। ये किस तो बनिए, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मैं उसनु लभना नहीं आत्म ज्योति नो, वो कोई गुम नहीं हुई। मैं उदे कोल नहीं जाना क्योंकि मेरे तो दूर नहीं है, कोल ते बंदा उस दे जावे जो अपने तो दूर है। दो शब्द मजबूरी च कहा जांदा है, रब दे कोल जाना है ते रब नू लभना है, ये मजबूरी च शब्द आखे जांदा। लभना उसनू पैंदा है जिहड़ा गुम हो गया, ते जाना उहदे कोल पैंदा है जो सरबदेसी नहीं है, एक जगह है ते एक जगह नहीं, जिथे है उथे जावांगे। जिहड़ा है ही सरबदेसी उहदे कोल की जाना है, उहदे कोल की जाना है। ते जिहड़ा है ही सर्व व्यापक उहनू की खोजना है, उह ते है। इहनू मैं दो शब्दां राही स्पर्श कर दियां, एक बोल नंद लाल दा, एक साधी दा है। दीदार में नुमाई ओ परहेज में कुने, बाजार खैश आतिश मां तेज में कुने। साधी कहने ने, हे खुदा तू दीदार देना है, फिर बुरका कर लेना है, पर्दे दे चला जाना है, इंज ना कर। जब तू पर्दा कर लेना है, बुरका कर लेना है, साडे वेखण दी तड़प वध जांदी है, साडा हिरदा तड़प के रह जांदा है, तू ओले हो जांदा है, चुप जांदा है। इनू खोलदे ने नंद लाल, बहुत सारे सूफी कलाम नो नंद लाल ने खोले है।
नंद लाल इस रमज नो इंज खोल देने तो के हम हजाबे खुदी यार खुशला का छे कुनत जब तेनु शेख सादी खुदा ना दिखाई दे वे खुदा बुरके च नहीं तेरी अखा ते कोई पर्दा पै गया होगा अहंकार दा लोभ दा वासना दा तू अपना पर्दा हटा वो ते जाहर जहूर है आजर हजूर है तेरे ते ही पर्दा पै गया है कोई साजन पर्दा तोरा गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं हे प्रभु है कोई ऐसा पर्दा जिड़ा पर्दा तेनों छुपा लवे फिर पर्दा वड्डा है रब नहीं वड्डा फिर पर्दे की पूजा करिए रब की पूजा करने की लोड़ है ऐसा भी पर्दा जिड़ा परमात्मा नूं छुपा देंदा साधना की है सिर्फ अंदर प्रवेश करना है ध्यान नूं इतनी गहराई तक ले जाना है ताकि आत्म तत्व ब्रह्म ज्ञान प्रगट हो जाए। मैं उस दिन भी अर्ज की थी ध्यान जितना गहरा जाएगा ज्ञान इतना ऊपर उठेगा उतनिया बुलंदियां नूं छुएगा एन किणका मात्र ज्ञान है तो इहदा ध्यान अजे बहुत गहरा नहीं है। ध्यान ते कर्म बाहर जान धन लभदा है पदार्थ लभदे ने शब्द ते ध्यान अंदर जाए धुन ते ध्यान धुन में ध्यान ध्यान में जाने धुन ते ध्यान अंदर प्रगट वह जावे तो भगवान प्रगट होता है दिसन लग पैंदा है परमात्मा दिसन लग पैंदा है। इहदे ते छोटी जिही गाथा कह के मैं आखरी अर्थ तुहाडे सामने रखा। इस्लामी जगत विच एक बहुत अच्छी फकीर होई है इस्त्री राबिया उहदा बड़ा जिक्र है। जैसे भारत विच मीरां होई सिख जगत विच माता भाग कौर होई इस्लाम विच राबिया होई है बड़ी कीमती और रूह सी। शाम नूं रोज कुरान की तलावत करती सी इतनी सुर विच करती सी कुरान का रूप हो जाती सी लोकी सुनन लई आउंदे सन। शाम नूं सूरज गरूब हो जाए इशा दी नमाज तो बाद इशा दी नमाज तो बाद वो तलावत करती सी पाठ करती सी ते पाठ करन दा उसका ऐसा ढंग कुरान का रूप हो जाती सी कुरान नूं पढ़द्या पढ़द्या कुरान का रूप। इस वास्ते मैं अक्सर अर्ज करना हुंदा बाणी जपद्या जपद्या मनुख बाणी का रूप नहीं होया जितने चिर तक उतने चिर तक द्वैत बनी रहेगी दूरी बनी रहेगी। और जिस दिन बाणी च मनुख दा ध्यान लीन आउंदा है उहदे सारे व्यवहार विच गुरबाणी टपकदी है झलकदी है। गीता दा पाठ ते करदा पिया है व्यवहार विच गीता नहीं है गुरबाणी दा पाठ ते करदा पिया है व्यवहार विच ते दुष्टपना प्रगट पिया आउंदा है। कुरान दा पाठ ते कर रहा है व्यवहार विच ते शैतान प्रगट हो रहा है। नहीं अजे सब खेड उपरों उपर है अजे ध्यान गहरा नहीं गया। हसन रोज नवे तो नवा प्रश्न कर देंदा सी राबिया ते पाठ तो बाद और राबिया उसनु बड़ी समझांदी सी तू आमना पाठ सुनन वास्ते सुन मैं देखदा तू सुनन वास्ते नहीं आउंदा मैं ऐसा देख रही हूं तू बोलन वास्ते आना है तू तर्क कठी करदा बोलन वास्ते आना सुनदा नहीं सुने तो ध्यान थोड़ा गहरा जावे लेकिन ये गल हसन दी पकड़ दे च नहीं आउंदी सी। उन्हें प्रत्यक्ष प्रमाण दे राही समझाण दा यतन कीता। एक दिन पाठ दा टाइम ते हो गया सी पर इसने पाठ नहीं आरंभ कीता। घर दे बाहर मुशाल जल्दी सी पुराने जमाने च हर चौक दे उत्ते मुशालां जलाईयां जांदियां सन ताकि राहगीरां नूं चानना मिले रात नूं। मैं कंधार ते गजनी दे च वी मशालां जलदियां होईयां देखियां सन गालबन सन 60 दे च इलैक्ट्रिसिटी नहीं सी बिजली नहीं सी मशालां जलांदे सन। मैं गुरुद्वारे च वी गजनी च मशाल जलदी हुई देखी सी मशाल ही जलांदे सन।
ਚੌਕ ਤੇ ਘਰ ਸੀ ਰਾਬੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਚੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ਾਲ